ये जी कुछ आ चुका है बुद्धि। बुद्धि की रोडें तो बड़ी सही है। सीमा सशस्त्र बल है काफी, बारिश भी हो रही है, ड्रिजलिंग बादलों के अब साथ चल, मिलिट्री के कैंप्स लगे हुए बुद्धि के आगे। एक और गांव है भाई साहब जा रहे हैं छतरी लेके अपना अकेले। सही है दे, ये साथ में चल रहे हैं हमारे बादल, ये नेपाल के बादल है, बादल नेपाल में, और इन लोग बादलों के बीच से भी शायद निकले। क्या ये मैं दिखाता हूँ, ये रहे बेहतरीन, ये देखिए जी अब व्यू, साथ में बादल, बादलों के बीच से निकलेंगे हम। ये मजा तो कहीं नहीं है, अलग ही है, नेक्स्ट लेवल। कैमरा क्या जस्टिफाई करेगा जो आप देख रहे हो यहाँ से, ब्यूटीफुल। ये तो हम आ गए बादलों के बीच में बिल्कुल टॉप पे, ये है सामने बादल, पूरा धुंध धुंध हो रखा है, बादल ही है ये, हमारे नीचे बादल है, पीछे बादल है, आगे बादल है, बादलों के बीच में चल रहे हैं। अब यहां कहीं होता होम स्टे तो मजा आता। ये देखो जी खतरनाक रोड आई गई, इसके ऊपर से निकाल लेंगे। गाड़ी बंद हो गई, बिल्कुल धीरे धीरे हम धीरे धीरे ही निकलेंगे, रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है काफी, धीरे धीरे निकालेंगे। चलो जी निकल गए इधर से, बादल बादलों को चीरते हुए हम निकलेंगे। हवा इतनी ठंडी नहीं है, बारिश है बस, एयर क्वालिटी चिल्ड नहीं है। आइए अभी भी दिखा रहा है कितना, 1 घंटे 58 मिनट्स बढ़ कैसे गया है ये समझ नहीं आ रहा। हिमाचल में कुछ इस टाइप की फील आ रही है।
तो जी अभी डेंजरस रास्ते यहाँ के खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी यहाँ पे जो है बीच में अगर अभी गाड़ी अंडर बॉडी में छुई थी पीछे निकल गया, मैंने बहुत ही स्लोली निकाली है धीरे से, तब भी टच हुआ थोड़ा सा खट 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 की आवाज आई, थोड़ा भी रात का टाइम है, मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से पहुंचूं कहीं पे ठीक ठाक सी जगह जहाँ पे थोड़ा लोग हो, क्योंकि अपने पास खाने पीने का आइटम तो कुछ नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रोड सही हो, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि लैंडस्लाइड्स वगैरह इस टाइप की ना हो, ना ही बारिश हो, क्योंकि बारिश में चलाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ओके, बंद हो गई गाड़ी, कोई नहीं, फिर से चलो जी। बैक लेते हैं फिर मोमेंटम गेन करके फिर आगे आते हैं। ओके, और लेना पड़ेगा बैक, पीछे जाती जा रही है, थोड़ी स्पीड में लानी पड़ेगी यहां से। चलो बस जी, कितनी बैग ले, बस चलो शाबाश। बैग लेते हैं। ओके, बस यार यहीं पे अटक रही है आके बार बार, और पीछे ले लेते हैं और प्रॉपर तरह से पीछे लेके फिर आगे आते हैं। देखे कितनी पीछे होती है, ठीक है, बस 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 ओके। चलो चलो, बस करो यार अब डेंजर रास्ता, फिर से अच्छी रोड आ जाओ, सीमा सशस्त्र बल बीआरओ चढ़ाई चढ़ाई है ये, इसलिए थोड़ा इश्यू है, तराई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे जी ठीक ठाक सड़क, फिर वो बीच वाली अंडर बॉडी अटैक स्लश, तो अब शायद ज्यादा क्लियर सही से दिखाई देगा कैमरे में, तो बादल ही बादल है, वो सही बादल है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ी धुंध छाई हुई है, पीछे लेके उतर के देखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। पत्थर है,
रहा, पीछे से वो आ रहा है ट्रक, ओम नमः शिवाय। निकल गया ये, पीछे ट्रक आ रहा है हमारे, इनको साइड दे दे रहा है। ये सारा स्लज यही बनाते हैं, ये निकलेंगे अब। अब जो है या क्या पता ये सड़क को अपनी मिट्टी दबा दे आगे बीच की, ये भी हो सकता है। पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सही है यार, ये दबाते हुए चल रहा है मिट्टी। अब तो खैर निकल ही गई, जो मेन जहां पे इनसे दबवानी थी मिट्टी उस समय थे नहीं। यहाँ पे हमारे हो गया अंडर बॉडी अटैक। चलो जी कोई नहीं, चल रही है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दया है बाबा की। अब मैं सोच रहा हूँ वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा होगा। तो जी ये हम आ चुके हैं मिलिट्री वालों के एरिया में, लग रहा है काफी सारे मिलिट्री के ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं। सही है, मिलिट्री क्वार्टर्स। यहाँ सोच रहे हैं कि देखें कुछ शॉप हो वहाँ पे, कुछ मैगी वैगी ले लीजिए, मैगी जो है बना लेंगे, अपने पास बनाने का आइटम भी है, सब बना के खा पी के निकला जाएगा। अरे ये ऊपर नाका आका बना हुआ है क्या, ये हमारे फौजी भाई जैन सर। अच्छा जी पीछे कर ले रहा मैं। आइए दोस्तों, चलिए फौजी भाइयों के पास चलते हैं, उनसे एंट्री करवाई है, पास दिखाया जाए और अपना एक मिलिट्री मास्क भी है। हेलो गाइस, तो जी हम पहुंच चुके हैं नाके पे, कौन सा नाका है अभी आगे चल के पूछते हैं इन्हीं से, यही बताएंगे। जैन सर, चलो ठीक है आप कर देते हैं, गाड़ी नंबर बताना आप। गाड़ी नंबर UP 78 जी। तो जी दोस्तों वहां पे अपना चेक पॉइंट पे एंट्री हो गई है और अब यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं, रोड जो है सही मिले, आगे जाके सीधे रुकना ही है, ज्यादा कहीं कुछ चक्करबाजी नहीं पालनी है। होम स्टे हो कोई ढंग का मिल जाए वहां पे रुक के खाना आना खा के सो के सुबह निकला जाएगा। काफी खींच दी है गाड़ी, रोक ही जाए 2 मिनट के लिए, नेचर कॉल, थोड़ा सांस भी ले लें। ओम भोले, यहां से जी दिखा रहा है 12 किलोमीटर 32 गुंजी, ये जा रहे काले घोड़े सामने, ब्लैक हॉर्स। चलो जी चलो, बड़ा सही है यार, ये तो मस्त है अपना लग रहा है, ज्यादा तेज नहीं बखाना भाई आपको, तेज निकल के जरा रोक देते हैं गाड़ी और साइड दे देते हैं भाई साहब को, लाइटें बहुत ज्यादा चमका रहे हैं। चलो हॉर्न यार सब बजाते हैं इंडिया में। हरिओम, 13 डिग्री हो गया टेम्परेचर, 13 डिग्री टेम्परेचर है, ये तो बड़े हैं। अब ये है कि अगर गाड़ी में भी सोना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रजाई ओढ़ के सो जाएंगे।